आमिर खान ने 1988 में अपनी पहली फिल्म क़यामत से क़यामत तक से करियर की शुरुआत की थी और अभी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। और फिल्मी करियर के साथ साथ उनकी लव लाइन भी काफ़ी फिल्मी है। तो आइए शुरू करते हैं इनकी प्रेम कहानी। आमिर के घर के सामने ही इनकी पहली पत्नी रीना दत्ता रहती थी। आमिर को रीना से एक दफ़ा प्यार हो गया तो यहाँ तक के आखिर में अपने खून से लेटर लिखकर रीना को दिया और फिर ऐसे ऐसे दोनों में प्यार हो गया और दोनों का मजाक अलग होने के वजह से शादी में बहुत मुश्किलें पेश आई। लेकिन फिर भी दोनों ने 1986 में चुपके से शादी कर ली और शादी के कुछ अरसे के बाद इनके दो बच्चे हुए और जिनका नाम जुनैद और ईरा है। और रिश्ते में करवाहट आने की वजह से साल 2002 में दोनों ने तलाक ले लिया। और रीना तब से तलाक के बाद आमिर ने एक मुसन्निफ़ जेसिका हंस के साथ इनके मीटअप के अफवाहों के साथ खबरें सुनने को मिली और इनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों बदल दी। आमिर शादीशुदा थे लेकिन लगान फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव पर इनका दिल आ गया और पहली पत्नी से इन्होंने तलाक के बाद फिर किरण राव से शादी की। फिर शादी के बाद इनके एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आज़ाद है और इनका ये रिश्ता भी 2020 में आके ख़त्म हो गया। इन्होंने इनको तलाक दे दी लेकिन इसके बाद इन्होंने शादी नहीं की। लेकिन काफ़ी सारी एक्ट्रेस के साथ इनके अफेयर चले और इनकी खबरें गर्म हुई लेकिन कहने को यही आया कि वो खबरें सब झूठी निकली।